हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को इस स्वेटर डिज़ाइन बताऊंगी और ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है और उतना ही आसानी से बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बताती हूँ कैसे बनता है। तो इसको हमने 9 नंबर सिलाई से बनाया हुआ है और 3 प्लाई का हमारा धागा है। और इस डिज़ाइन को हमने देखो 6 फंदा में बनाया, 6 फंदा 6 फंदा करके। तो ये 5 फंदे में बीच में हमने ये डिज़ाइन बनाया हुआ, 1 फंदा हमारा ये, तो दोनों ले करके 6 फंदा 6 फंदा में पूरी डिज़ाइन हमारी तैयार है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनता है। इसमें हमने 22 फंदा लिया है, 2 फंदा हम इधर रखेंगे और 2 फंदा इधर साइड में रखेंगे हम, और 18 फंदे में हमारी डिज़ाइन बनेगी। तो ये फर्स्ट वाला फंदा पहले हम स्लिप करेंगे, देखो, और फिर सीधा बनाएंगे। तो पहले 2 सिलाई हम सीधा उल्टा बनाएंगे, 1 सिलाई सीधा 1 सिलाई उल्टा। तो इस वाली सिलाई को हम पूरा सीधा सीधा बनाएंगे, सिंपल पूरी सिलाई हमें कंप्लीट करना है, सिंपल तरीके से सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करके। ये सीधा सिलाई कंप्लीट हो गया, अब उल्टे तरफ से हमें पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। तो टोटल फंदा हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, 2 सिलाई हमें सिंपल बनाना है, 1 सिलाई सीधा और 1 सिलाई उल्टा, उसके बाद हमारी डिजाइन स्टार्ट होगी। तो ये पूरा सिलाई हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बताते हैं। ये 2 सिलाई कंप्लीट हो गया, अब हमारी डिजाइन यहाँ से स्टार्ट होगी। फर्स्ट वाला फंदा हम स्लिप करेंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे, और इसके बाद हम 5 फंदा धागा को लपेटते हुए ऐसे 1 फंदे में 2 बार लपेटेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। देखो, ये 2 फंदा छोड़ के 1 2 3 4 5, अब 1 फंदा हम स्लिप करेंगे ऐसे, फिर से 5 फंदे में हम लपेटेंगे, 1 2 3 4 5, ये देखो, इसको छोड़ के 1 फंदा, 1 2 3 4 5, फिर 1 फंदा हम स्लिप करेंगे ऐसे, फिर से 5 फंदा बनाएंगे इसी तरीके से, 1 2 3 4 5, ये देखो, 1 फंदा छोड़ के 1 2 3 4 5, अब यहाँ 1 फंदा स्लिप करेंगे और 2 फंदे को हम सीधा बना लेंगे ऐसे। अब ये सीधा साइड था, अब उल्टा साइड से देखो हमें क्या करना है। फर्स्ट वाला फंदा हम स्लिप करेंगे पहले, ये 1 फंदा हम बुनाई कर लेंगे, और ये 1 फंदा है इसको भी हम पहले से बुन लेंगे जो हमने फंदा स्लिप किया हुआ था। अब ये 5 फंदा हमें देखो एक एक करके खोलना है, 1 2 3 4 5, अब वापस हम इसी सिलाई में इसको ले लेंगे पहले। ये लेने के बाद अब इसको हम ऐसे जाली बनाएंगे ऐसे, अभी 5 फंदे का हम 3 फंदा बनाएंगे, 1 फंदा हमने यहाँ स्लिप किया हुआ बनाया हुआ है, अब यहाँ हम एक जाली बनाएंगे देखो ऐसे, अभी 5 फंदा है, 5 फंदे का हम 3 फंदा बनाएंगे, 1 2 हो गया 3, अब ये 3 फंदा हो गया। तो 1 फंदा हमने जाली से बनाया, 4 हो गया, और 1 जाली हम यहाँ बनाएंगे ऐसे, तो ये 5 हो गया। अभी बीच वाला फंदा स्लिप किया हुआ है, जो फंदा हम सीधे से स्लिप किए थे उसको उल्टे तरफ से हमें बुनाई करना है। अभी 1 जाली हमारी यहाँ बन गई, 1 जाली यहाँ, और बीच में हमने 5 फंदे का 3 फंदा किया है, तो वापस फिर से ये 5 फंदा हो गया। अब फिर ये धागे को हमें देखो एक कर खोलना है, 1 2 3 4 5, अब फिर से इस पे ले लेंगे हम इसको, लेने के बाद यहाँ फिर से जाली बनाएंगे ऐसे देखो, फिर 5 फंदे का हम 3 फंदा लेंगे, 1 2 3, ये 3 फंदा हो गया। फिर से ऐसे जाली बनाएंगे, फिर ये फंदे में 1 फंदा बनाएंगे, फिर से जाली बनाएंगे, फिर ये धागे को हम खोलेंगे, 1 2 3 4 5, वापस इस पे लेंगे। अभी देखो यहाँ जाली हमने बनाया हुआ है, तो
तो पांच फंदे का तीन फंदा बनाएंगे फिर से। एक दो तीन, ये देखो तीन फंदा हो गया। अब यहाँ जाली एक बनाएंगे, अब एक फंदा उल्टा बनाएंगे। तो उल्टा साइड से हमें ऐसे बनाना, सीधा साइड से फंदे को हम धागा लपेटते हुए बनाएंगे और उल्टे साइड से हम फंदे को पांच फंदे का हम तीन फंदा बनाएंगे। और दोनों साइड से हम जाली बनाते हैं तो उससे हमारा एक एक फंदा बढ़ रहा है, तो पांच फंदा ये बराबर हो गया। अब ये देखो तीसरी सिलाई है, तो तीसरी सिलाई हमें टोटल फंदे को सीधा सीधा बनाना है, ऐसे पूरा जाली वाला फंदा भी हम सीधा बनाएंगे, फिर ये तीन फंदा भी सीधा बनाएंगे हम, ये जाली वाला फंदा भी हम इसको सीधा बनाएंगे। देखो ये पूरे सिलाई को हमें सीधा सीधा बना के कंप्लीट करना है, जाली वाला फंदा भी बनाएंगे, पूरा फंदा हम कंप्लीट करेंगे सीधा सीधा बुन के। ये देखो सीधा सिलाई कंप्लीट हो गया, अब उल्टा तरफ से हमें फिर से पूरे फंदे को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है। तो दो सिलाई में हम डिजाइन बना रहे हैं और दो सिलाई हमारा सीधा उल्टा बना के सिंपल तैयार करना है, तो टोटल चार सिलाई में हमारी डिजाइन कंप्लीट हो रही है। अभी पूरे सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बताती हूँ। अभी देखो उल्टा सिलाई कंप्लीट हो गया, अब यहाँ हमें फिर से दूसरी डिजाइन बनानी है, तो देखो कैसे हम बनाते हैं। एक दो, एक फंदा छोड़ के तीन, अभी बीच वाला फंदा है तो चार फंदा हमारा इधर हो गया, बीच वाला फंदा हम इसको देखो बना लेंगे सीधा। अब यहाँ से हमें पांच फंदा बनाना है, तो दो फंदा ये है, एक बीच का ये वाला फंदा है और दो फंदा हम इधर से लेंगे। तो पांच फंदे में हम फिर से धागा लपेटते हुए जैसे हमने बनाया नीचे ऐसे ही बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच, अब यहाँ एक फंदा हम बीच वाला स्लिप करेंगे। देखो तो अब हमारी डिजाइन बनेगी, तो डिजाइन के ऊपर डिजाइन नहीं बनाना है, डिजाइन के बीच, दोनों डिजाइन के बीच में दूसरी डिजाइन बनेगी। अब फिर एक फंदा हमने स्लिप किया, यहाँ फिर से पांच फंदा बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच, ये देखो इसको छोड़ के एक फंदा, एक दो तीन चार पाँच। अब यहाँ से हमें पूरे फंदे को एक फंदा यहाँ स्लिप करेंगे, तो ये पांच फंदा हमारा पूरा नहीं होगा। जब आप लोग डिजाइन बनाना तो इधर फंदा चार फंदा एक्स्ट्रा रखना। अब ये रहा सीधा साइड, अब उल्टा साइड से हमें देखो पहले हम फंदा स्लिप करेंगे, फिर उल्टा फंदा बनाएंगे चार फंदा, एक दो तीन। अब ये एक फंदा देखो इसमें हमें उल्टा बनाना है, ऐसे बनाएंगे और फिर इसके बाद ऐसे जाली लेंगे और ये पांच फंदा में एक एक करके खोलेंगे, ऐसे दो तीन चार पाँच। तो ये पाँच फंदे में हमें देखो वापस इसी स्लाइप लेके और तीन फंदा बनाना है, एक दो तीन, ये तीन फंदा हो गया और एक फंदा ये जाली से। तो जो फंदा हमारा दोनों घट रहा है वही जाली से हमारा फंदा बढ़ के फिर वापस पांच फंदा बन जा रहा है। अब यहाँ एक जाली बनाएंगे और इस वाले फंदे में बनाएंगे हम एक फंदा, फिर से जाली बनाएंगे और फिर ये धागा एक एक करके खोलेंगे पांच फंदा। तो डिजाइन बहुत ईजी है बनाने में। अब यहाँ तीन फंदा बनाएंगे, देखो पांच फंदे में तीन फंदा बनाना है हमें। अब फिर से यहाँ जाली बनाएंगे एक, अब इसके बाद जो फंदा हमारा बचता है उसको हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखो सीधा साइड आ गया, तो सीधा साइड में हमें दो सिलाई में डिजाइन पूरी हो रही है और दो सिलाई हमें सीधा उल्टा बनाना है, एक सिलाई हम सीधा बनाएंगे एक सिलाई उल्टा बनाएंगे, उसके बाद फिर से हमारी डिजाइन स्टार्ट हो जाएगी।
तो ये दो सिलाई हम सीधा उल्टा बना के फिर आगे आपको बताते हैं। ये डिजाइन देखो बन के कम्प्लीट है। दो सिलाई में हम डिजाइन बनाएंगे और दो सिलाई हमें सीधा उल्टा सिंपल बनाना है। चार सिलाई का टोटल डिजाइन है। तो डिजाइन बनाने का यही तरीका है, हमने बना के रखा हुआ है। ये स्वेटर जितना बड़ा आपको बनाना होगा ये देखो, तो आप फंदा उसी हिसाब से डालना, लेकिन डिजाइन के लिए फंदा आपका छः फंदा करके बनाना। पाँच फंदे की डिजाइन है, एक फंदा हम बीच में एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो टोटल छः फंदे में हमारी डिजाइन तैयार हो रही है। तो इसको आप लोग ज़रूर बनाइए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।